भारत माता की। हम सबके बीच में जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र संसद की मर्यादा प्रतिष्ठा अच्छी परंपराएं परपाटियां समृद्ध की, ऐसे हमारे बीच में जिनको ताई के नाम से जानते हैं, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, इस क्षेत्र के और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता, जन जन के नेता, राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार के स्वायत्त शासन, आवासन, नगरीय संसदीय कार्य और जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने विशिष्ट कार्यों से, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यों से मध्य प्रदेश में तो पहचान बनाई है, पूरी देश को एक नई प्रेरणा दिए, नई दिशा दिए। श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश के प्रभारी, हमारे मित्र श्री महेंद्र सिंह जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय नागर सिंह जी चौहान साहब, जिनके नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को वापस हरा भरा प्रदेश बनाने का लक्ष्य है। श्री मंत्री महोदय और हमारे लोकसभा में हमारे साथी श्री शंकर लालवानी जी मंच में विराजे, सभी माननीय विधायकगण और जिनके नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है, इंदौर नगर निगम के मेयर श्री भार्गव जी, अतिथिगण, विद्यार्थी साथियों, मैं सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक नई पहल की है, नई दिशा दी है, जो निश्चित रूप से देश के अलग अलग राज्यों के अंदर पर्यावरण के प्रति और अपनी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के प्रति एक प्रेरणा होगी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के अंदर एक नया संदेश दिया और दुनिया के देशों को एक दिशा दी कि किस तरीके से हम दुनिया के अंदर जो कुछ भी पर्यावरण के लिए नया काम शुरू कर सकते हैं वह है पर्यावरण के अनुरूप जीवन शैली। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का वह संदेश संपूर्ण विश्व के लिए एक नया दिशा है कि सभी देश अपने यहां पर जल जीवन के अंदर एक आंदोलन हो और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली हो। इसी तरीके से G20 के बाद जब P20 का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उस समय भी जब ये प्रस्ताव लाया गया तो दुनिया के सभी देशों ने
और उनकी संसद के अध्यक्षों ने कहा कि हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे और अपनी अपनी संसद के माध्यम से अपने अपने देश के अंदर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने की एक नया दृष्टिकोण देंगे। और आज ये दृष्टिकोण भारत के अंदर एक नए परिवर्तन का संदेश है। आज पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी का दिया संदेश एक पेड़ मां के नाम, ये संदेश हमारी वर्तमान पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ी को भी पर्यावरण के लिए एक नई दिशा देगा। हम सब पर्यावरण प्रेमी रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक सब कुछ पर्यावरण के प्रति रही है और इसीलिए हम धरती को धरती माँ कहते हैं और आज भी हम पेड़ की पूजा करते हैं। ये हमारी संस्कृति संस्कार हैं और इसीलिए इस संस्कृति संस्कार को अब भारत से दुनिया की ओर ले जाना है और इसीलिए एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान देश में तो चलेगा सही, आने वाले समय में दुनिया के देशों के लिए भी एक संदेश होगा। हमेशा भारत की संस्कृति आध्यात्मिक पर्यावरण के नजदीक रही है, इसलिए आज दुनिया जो सोच रही है भारत के ऋषि मुनियों ने बरसों पहले से दुनिया की इस परिस्थितियों को सोचकर पेड़ों की पूजा का सांस्कृतिक आध्यात्मिक किया है। और सही कहा महेंद्र सिंह जी ने, जितने भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक युग पुरुष हुए उन्होंने पेड़ के नीचे भी ध्यान लगाकर इस आध्यात्मिक और संस्कृति और संस्कारों में परिवर्तन का संदेश दिया है। इसीलिए हमारी इस वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ हमारी जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है, उस भविष्य की पीढ़ी को कैसे तैयार करना है, उनके मन के विचार किस तरीके से होना चाहिए, हम जैसे भविष्य की पीढ़ी को तैयार करते हैं, जैसे विचार देते हैं, उसी तरीके की पीढ़ी तैयार होती है। और हमारी आने वाली पीढ़ी अगर पर्यावरण के प्रति समर्पित होगी, हम दुनिया के अंदर जो पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त हो रही है उस चिंता को अगर भारत में सबसे पहले लाकर और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी अगर इस अभियान को चलाएगी तो मेरा विश्वास भरोसा है दुनिया के अंदर इस सारी चुनौतियों का समाधान निकलेगा तो भारत से निकलेगा। और इसीलिए मैं मध्य प्रदेश को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया है और ये अभियान एक जन आंदोलन बन चुका है। आज खुशी है कि 51 लाख से ज्यादा पौधे इस इंदौर की धरती से लगकर और भारत को एक नया संदेश जाएगा। जब हम जैसे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हमें भी लगता है कि हमारे हमारे इलाके के अंदर क्षेत्र के अंदर तमाम जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, आध्यात्मिक नेता हो, सबको लगेगा कि हमें अपने अपने शहर गांव के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित लगाने बचाने के लिए एक पेड़ मां का अभियान चलाना चाहिए और इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए। मुझे विश्वास भरोसा है ये मध्य प्रदेश किसी समय के अंदर वनों की धरती हुआ करती थी और विशेष रूप से इंदौर तो और इंदौर के आसपास तो घने वन हुआ करता था। आज फिर से एक नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय के अंदर मध्य प्रदेश का ये अभियान पूरे देश का अभियान बनेगा, जन जन का आंदोलन बनेगा, जन चेतना का नया आंदोलन बनेगा और समाज की वर्तमान पीढ़ी भी और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पर्यावरण के प्रति सतर्क रहते हुए हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इसकी एक नई शुरुआत होगी। आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरे देश में यह अभियान चल रहा है, मुझे आशा है कि आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन बनाएगा और हम दुनिया की जो चुनौतियां हैं उसका समाधान भारत से निकलेगा और पर्यावरण सुरक्षित करने में सबसे ज्यादा अगर अग्रणी होगा तो भारत होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।